So Yogesh sir, Nitin sir, first of all, congratulations for this kind of, you know, showcasing here your product at IFSEC. और बैक टू बैक दूसरे साल है और हम लोग हर साल मिलते हैं. सो सर आपसे शुरू करेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक का? अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. मुझे लगता है येस्टरडे जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा विजिटर्स हैं और आज भी सेम है विजिटर्स. मुझे हमें लग रहा है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस वेरी गुड राइट सर. आपका एक्सपीरियंस काफ़ी, अब मैं आया तो आप काफ़ी पार्टनर से घिरे हुए थे, आप भी घिरे हुए थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी फॉर दैट, बट हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी है. नहीं, पार्टनर्स काफ़ी, फुटफॉल अच्छा है, गुड. मतलब इससे लास्ट टाइम भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा, इस बार भी काफ़ी अच्छा. और अभी हम लोग जैसे सीसीटीवी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो इट्स गुड कि पार्टनर्स को पता चल रहा है कि वी हैव सच अ गुड रेंज ऑफ सर्वेलेंस प्रोडक्ट, तो वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. एंड सर, इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स व्हिच आर शोकेसिंग, व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स इफ यू कैन ब्रीफ? हम लोगों ने अभी रिसेंट में लॉन्च करे हैं, काफ़ी नई हमारी रेंज आएगी जिसमें कैमराज हैं, 16 कैमराज हैं, 4G कैमराज हैं, स्मार्ट कैमराज हैं. ये तो नहीं है अगर देखा जाए तो 16 कैमराज है. ओके, दैट्स ग्रेट. तो 16 कैमराज, वाईफाई कैमराज, स्मार्ट कैमराज, 4G कैमराज, तो ये हमारे न्यू लॉन्चेज हैं इस शो में. सर अगर सोलर कैमरा की बात करो या फिर 4G कैमरा की बात करो, तो इसका कंजम्पशन मेजरली किस सिटी में, किस मार्केट में इसका आप देख रहे हैं, किस एरिया में इसका मार्केट है? जहाँ पे मतलब लिमिटेड 2-4 पीस लगना है, जहाँ पे वाईफाई नहीं है और नहीं है, जहाँ पे जैसे सोलर है, जहाँ पे पावर की प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपने वो कहीं पे खेत पे लगा दिया और लगाना, तो वहाँ पे पावर वगैरह की प्रॉब्लम, तो लगा दो स्टैंड अलोन है. यहाँ पे 4G सिम लगा दो, अपना सोलर लगा हुआ, पावर की भी दिक्कत नहीं है, तो इट कैन वर्क स्टैंड अलोन. आपने कुछ DVR नहीं लगा, इट्स अ वेरी हैंडी प्रोडक्ट. तो ये मतलब यू हैव दैट मार्केट काइंड ऑफ डिमांड, यू सीन, आपने देखा और फिर लॉन्च किया ये प्रोडक्ट? यस, मेजरली जो भी हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड करते हैं, हमारे कस्टमर जो डिमांड करते हैं, वही प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं. राइट, तो ये सर्वेलेंस के अपकमिंग प्रोडक्ट है, तो यस, डिमांड इज रियली गुड फॉर दिस प्रोडक्ट. राइट सर. सर लास्ट टाइम हमने देखा था कि आपके DVR लॉन्च हुए थे और भी सर्वेलेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, तो उसका रिस्पॉन्स अभी तक एक साल में कितना ग्रोथ हुआ, कैसा रहा है? नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस और ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं तो हम लोग सर्वेलेंस में 100% ग्रोथ कर रहे हैं. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड और प्रोडक्ट्स ऐड ऑन हो रहे हैं कंटिन्यूसली. जैसा अभी आपको बताया कि कैमराज की काफ़ी रेंज ऐड हुई है और आने वाले टाइम में भी हम लोग वी आर जस्ट एडिंग अप विथ न्यू प्रोडक्ट्स. राइट. एंड सर, दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म, यू नो, यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन सच प्लेटफॉर्म्स, पार्टनर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, इसके अलावा और क्या कम्युनिकेशन चल रहा है? एक मीट आपने अभी किया था, फिर आपने पार्टनर्स को बाहर लेके गए, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट का कैसा आपको रिटर्न मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ, यू नो, बॉन्डिंग, गुड बिजनेस फर्दर? नहीं, ये सब करने से क्या कि जैसे एज अ कंपनी ऑल्सो वी आर कमिंग क्लोजर टू आवर पार्टनर्स. ये जो आपने डीलर मीट बोला, वी गेट अ फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, तो उसी के बेसिस पे हम कंपनी चल रही है, क्योंकि एज अ सिंगल कभी नहीं चल सकती. right. जो फीडबैक पार्टनर से मिलता है, अगर आप नहीं लोगे तो यू कैन नॉट डू. कस्टमर्स है, पार्टनर्स है, इनका फीडबैक लेना, उसी के हिसाब से काम करना, दैट इज द मोटो, और उसी हिसाब से वी आर डूइंग द वर्क. राइट सर, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस? बस ये जो इवेंट्स जो आपसे आपने बताया, हम लोगों का इवेंट हुआ था जो हम लोग बाली लेके गए थे. right. और उसके बाद फिर हमारा डीलर्स मीट हुआ. हमें लगता है पार्टनर्स से कनेक्टिविटी बहुत बेटर हो जाती है, क्योंकि आप ओवर द टाइम इतने टाइम से बिजनेस तो कर रहे हो पार्टनर्स के साथ, लेकिन यू हैव नेवर मेट देम, तो पर्सनली मिलते हो तो उनका भी कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और कनेक्टिविटी बहुत बढ़ती है. तो ऐसे पार्टनर जो हमसे लगता है अराउंड 10-15 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं और उनसे हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है. यानी कह सकते हैं कंसिस्टेंट 2.0 का वर्जन है ये, जब आप लोगों ने अपनी विंग्स को इतना फैलाया है कि पूरे इंडिया तक पहुंचे. सर आखिरी आपसे सवाल आपसे करना चाहूंगा कि कंसिस्टेंट एज ए ब्रांड 2024 में जा रहे हैं, हम कहाँ देखते हैं आप? हम लोग काफ़ी सारी वर्टिकल्स ऐड कर रहे हैं, तो यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि 2025 तक वी विल बी द नंबर वन ब्रांड इन IT एंड सर्विस. सो यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ बिगर टारगेट. That's great. Means, you know, good to see, and I'm sure that the kind of strategy आप लोगों ने तैयार करी है जरूर होगा. सर आप कैसे देख रहे हैं 2024 का, कुछ टारगेट आप लोगों ने सेट किया है मिलके? जैसे अभी बताया योगेश जी ने, 2025 में वी आर लुकिंग एज अ नंबर वन ब्रांड इन IT एंड सर्विलेंस, तो उसके लिए वी आर वर्किंग वेरी हार्ड. जैसे आपने देखा प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली एड ऑन हो रहे हैं, वैसे हम लोग एरियाज में भी काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हैं, अपना सर्विस नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं, तो होपफुली जो हमारा टारगेट है वी विल अचीव द सेम इन 2025. सर एक आखिरी मैसेज दे दीजिए, वो आपके अपने पार्टनर्स के लिए, आपके दिल की बात और आपकी दिल की बात, पहले आपकी दिल की बात, व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम?
देखिए जैसे मेरा हमेशा एक फंडा रहता है, तो जैसे LIC बोलता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो वैसे हमारे पार्टनर्स हैं इसमें। मैं एक बार राहुल जी को ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल राहुल जी हमारे पार्टनर है जो लास्ट 15 ईयर से हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो हम कंटिन्यूसली यही अपने मैसेज भी अपने पार्टनर्स को देते हैं कि वी वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद आवर पार्टनर्स। वो हम लोग हमेशा उनसे अभी भी बिजनेस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे हमारे जो भी प्रोडक्ट रेंज ऐड होगी वी विल फर्स्ट ऐड आर पार्टनर्स विद दैट प्रोडक्ट रेंज। हम उनसे बोलेंगे कि प्लीज़ आप ऐड होइए, तो हमारा मैसेज यही है पार्टनर्स के लिए। करेक्ट, और आप दिल से कनेक्टेड हैं इसलिए दिल से बिजनेस चल रहा है और आपका रिश्ता जो है बिल्कुल काफ़ी ऊंचाइयों पे हम देख सकते हैं। पार्टनर्स लाइक दिस जो आपके साथ इतने सालों से हैं, आप क्या सोचेंगे, मतलब पार्टनर से कनेक्शन कितना बिल्ड हुआ, क्या मैसेज है आपका? पार्टनर से कनेक्शन अच्छा है, बट आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पार्टनर्स की अभी जो एक एक दो दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो फुल बास्केट ऑफ द प्रोडक्ट बेचेंगे तो दे विल गेट अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑल्सो एंड दे मतलब बेटर वी कैन डू द बिजनेस। राइट, सो जस्ट आई जस्ट क्लोज इट। सो सर थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ही अच्छा लगता है जब अपना इंडियन ब्रांड इस तरह से ग्रो करे और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप डेमो करते हैं जहाँ पे इंटरनेश्नल ब्रांड भी आ रखा है। सो प्राउड मेंबर एंड आई एम श्योर दैट कंसिस्टेंट गोना रॉक इन कमिंग 1-2 ईयर्स। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेट सर।